प्रभु की ऐसी अनुकंपा हुई, वहाँ पर देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं विराजमान जाते हुए। समय देव ऋषि नारद आए हैं सामने, महाराज इंद्र को देखा है, कयाधु को देखा, जवाब दिया है इंद्र। अभी तक तो आप इंद्रासन चलाते थे और आज से क्या नारियों का हरण करना शुरू कर दिया है, इतनी बात कही है। आज इंद्र कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है महाराज, जो इनका पति हिरण्यकश्यप है बड़े अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार कर रहा है, इसलिए कयाधु को मैंने हरण किया है। देव ऋषि नारद कहने लगे ये गलत संस्कार किया है, उस बालक का नाम रखा है प्रह्लाद। इधर हिरण्यकश्यप को पता चला है, जिस समय अपनी रानी कयाधु को ढूंढने के लिए निकला है, आगे आया है देव ऋषि नारद ने सारी बात बताई हिरण्यकश्यप को। आज महाराज पुत्र को लेकर के, रानी कयाधु को लेकर के, जिस समय वो हिरण्यकश्यप अपने महलों की तरफ आया है, धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ है। आज 5 वर्ष के हो गए प्रह्लाद, जब 5 वर्ष के हुए हैं, महाराज बताया जाता है एक दिन की बात है, वो हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया है, भैया नरेश जी मन में विचार किया
गुरु संडा अमर जी प्रहलाद को शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं महाराज, और प्रहलाद शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय महाराज व्यतीत हुआ, शिक्षा अध्ययन करते करते नित्य प्रतिदिन जाते हैं। और ये हमारे यज्ञपति महाराज जी के द्वारा पुष्पों का हार समर्पित हो रहा है, मंगल कामनाएं। भगवान भक्ति सबके प्रदान करें, हर प्रकार से सुख शांति दें। इधर महाराज जिस समय प्रहलाद और ये हमारे यज्ञपति महाराज के धर्म पत्नी के द्वारा गले में पुष्पों का हार समर्पित हुआ है, मंगल कामनाएं हैं। भगवान भक्ति शक्ति प्रदान करें, हर प्रकार से सुख शांति दें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज जिस समय नित्य प्रतिदिन प्रहलाद शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं, और शिक्षा अध्ययन करने के बाद में नित्य प्रतिदिन अपने घर आते हैं, पुनः फिर जाते हैं। एक दिन की बात है महाराज, प्रहलाद जैसे ही सवेरा हुआ है, भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली हैं, सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में महाराज फैली हैं। इधर और हमारी माता जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है, मंगल कामनाएं। भगवान भक्ति शक्ति प्रदान करें, हर प्रकार से सुख शांति दें। और ये हमारे भैया विकास जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है, मंगल कामनाएं हैं। भगवान भक्ति शक्ति प्रदान करें, हर प्रकार से सुख शांति दें। बोलिए युगल जोड़ी सरकार की, राजवेंद्र सरकार की जय हो। आज महाराज और ये माता जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है, मंगल कामना है। राधा रानी कल्याण करें, भंडार करें, हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करें। आज महाराज जिस समय प्रहलाद जब सवेरा हुआ है, भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली हैं। इधर बताया है महाराज, जिस नित्य प्रतिदिन जिस गली से प्रहलाद शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते थे, आज उस गली को छोड़ करके महाराज उस गली से जा रहे हैं जहाँ पर कुछ कुम्हारों के घर पड़ते थे, महाराज जब कुम्हारों की गली से निकले हैं, वहां पर मैया कुम्हारी आज अबा को लगा करके रो रही है। जिस समय रो रही है, आज राम शब्द का उच्चारण कर रही हैं, राम राम कह रही हैं। जब राम शब्द को प्रहलाद ने सुना है, जवाब दिया है, हमारे पिता के राज्य में मेरे पिता के राज्य में मेरे पिता के दुश्मन का नाम, शत्रु का नाम, बैरी का नाम। और ये हमारी माता जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है, राधे रानी कल्याण करें, भंडार में। आज महाराज जिस समय प्रहलाद कुमारों की गली से निकले हैं, देखा है मैया कुमारी राम का शब्द का उच्चारण कर रही हैं, जवाब दिया है हमारे पिता के राज्य में हमारे पिता के और ये माता जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है, भगवान हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करें। आज महाराज
और ये हमारी भाई चाचा जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है। भगवान हर प्रकार से सुख शांति दे, राधा रानी कल्याण करें, भंडार भरे। बोलिए गोविंद भगवान की, युगल जोड़ी सरकार की। आज महाराज बताया गया जिस समय और ये हमारी भाभी जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है, राधे रानी कल्याण करें, भंडार भरें, हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे सरकार की। आज महाराज और ये माता जी की तरफ से गले में हार समर्पित हो रहा है, राधे रानी कल्याण करें, भंडार भरें, हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करें। आज महाराज जिस समय प्रहलाद चले हैं कुम्हारों की गली से निकले हैं, मैया कुमारी जिस समय राम शब्द का उच्चारण कर रही हैं, जवाब दिया है कौन है हमारे पिता के राज में, मेरे पिता के दुश्मन का, शत्रु का, बैरी का कौन नाम ले रहा है। आज महाराज उसी समय जब इतनी बात कही है, आगे बढ़े हैं, कुंडी को खटखटाया है, जवाब दिया है कुंभो रानी दरवाजा खोलो, कुंभो रानी दरवाजा खोलो। आज मैया कुम्हारी जिस समय आई है, दरवाजे को खोला है, दरवाजे को खोल करके महाराज जब देखा है, जवाब दिया है तुम्हें पता नहीं है मेरे शत्रु का, दुश्मन का, बैरी का नाम मेरे पिता के राज में कोई नहीं लेता है, और आप क्यों ले रही हो। जब इतनी बात कही है कि हमारे पिता के राज में, मेरे पिता के इस शासन में मेरे पिता के दुश्मन शत्रु बैरी का नाम कोई नहीं लेता है, आप क्यों ले रही हो। कुमारी ने जवाब दिया है बेटा तुम्हें पता नहीं है मैंने जो अभा लगाया है, इस अभे में हमारे चार बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। प्रहलाद कहने लगा कुम्हारी मैया अरे तुम्हें पता नहीं है चार बिल्ली के बच्चे इस अभा में दब गए कि तेरा राम बचा देगा। जब इतनी बात कही है महाराज, कुमारी मैया दोनों करों को जोड़ा है, जवाब दिया है प्रहलाद मेरे दिल में विश्वास है कि वो राम मेरे इन बिल्ली के बच्चों को अवश्य बचा लेगा, बचा लेगा। आज भैया जिस समय इतनी बात कही है, लबिश भैया जी इतनी बात कही, उसी समय मैया प्रहलाद से कहने लगी है अरे रोई रोई मैया कहे और लाल से भूल विश्वास है बिल्ली के बच्चे अवश्य बच जाएंगे। प्रहलाद ने जवाब दिया है कुमारी मैया
मेरी एक बात याद रखना, यदि तुम्हारे राम में इतनी ताकत है तो मैं सुबह फिर आऊंगा, और यदि तुम्हारे दिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो मैया कुमारी कहने लगी है, बेटा यदि मेरे दिल्ली के बच्चे बच जाए तो लाल मुझे बधाई दे जाना, यदि मेरे दिल्ली के बच्चे ना बचे तो मेरे प्राणों को लेकर के आप चले जाना। इतनी बात गई है मैया कुम्हारी के बचनों को सुना है प्रहलाद ने। आज महाराज वहां से शिक्षा अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं। जिस समय शिक्षा अध्ययन करने के लिए प्रहलाद चले जाते हैं, दूसरा दिन फिर हुआ है, जब सवेरा हुआ तो इधर फिर मैं महाराज प्रहलाद कुम्हारों की गली से निकले हैं, कुम्हारी मैया के दरवाजे पर आए हैं और कुंडली को खटखटाया, मैया दरवाजा खोलो, ओ कुम्हारी मैया दरवाजा खोलो। इस समय कुम्हारी मैया दरवाजा खोला है, जवाब दिया है, मैया आपके बिल्ली के बच्चे बच गए। कुम्हारी मैया मेरे लाल अभी मैंने दरवाजा नहीं खोला, अभी मैंने अबा को नहीं खोला है, पता नहीं है बिल्ली के बच्चे बच गए हैं कि नहीं बचे हैं, अभी तुम्हारे सामने इस अबा को खोलूंगी। जब इतने शब्द कहे हैं महाराज तो उसी समय आज मैया कुमारी उस अभा के पास में बैठ जाती है। जब उस अभा के पास में बैठ जाती है, हुआ ऐसा है प्रभु का नाम ले रही है, हरी गुण गाई रही, हरी गुण गाई रही, मैया बोलत जाती Thank you.
में बैठी हैं, प्रभु का गुणगान कर रही हैं, रोती जा रही, कह रही है तीन बंधु दीनानाथ, एक बार आप मेरी आज लाज को बचा लेना प्रभु। और भैया